क्या करा हाँ फोन पे समझा के बोला मैं हाँ क्या करा ये सिम क्रिएट करा का यहाँ के डरा रहा यहाँ पर साहब कोई भी नहीं डरने की क्या है साहब सतानु कोरु आलम को नहीं 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 क्या क्या सता रहे बिल नहीं बने हाथ में रह के काम करो बोलो हाथ में रह के काम करो बोलो ये दादागिरी नहीं चलती यहाँ पर बघार आप बोले घर के अंदर चले जा रहे लेडीज रहती वहाँ पर वो लॉक है तो लॉक तोड़ देता हूँ मैं वो कर देता हूँ ये काम मत कर बेटे ये काम नहीं करना मैं समझा दे रहा हूँ मैं आपको इससे पहले भी समझाया मैं आपको कैसा गए इनके घर में तुम साफ नहीं गए मैं आ गया भैया पूरे 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 नहीं तुम आए मिस कर रहे ना जी तुम मिस करूंगा कौन दूसरा है मान लो तो थोड़ा थोड़ा बनने लिस्ट देता हूँ बड़ी लिस्ट जाते दूसरे एरिया में तुम जाते तुम या तुम्हारे बड़े जाते मैं पूछ रहा हूँ तुम या तुम्हारे बड़े जाते क्या पूछ रहा हूँ मैं क्यों ऐसा होशियारियां कर रहे हैं तमाशा क्यों कर रहे हैं तुम डायरेक्ट कौन है वो डायरेक्ट तुम्हारे घर कैसा चलेगा तू अंदर घर में कैसा गए आप डिपार्टमेंट के कम से कम 25-30 दिन बता रहे घर बता रहे लाख तोड़ो बोले कैसा गया घर में उसके कैसा गए पूछा भाई नहीं गए साहब कैसा गए अब तक नहीं गए हैं नहीं गए साहब साहब कैसा घरों में भेज रहे हैं आप तुम्हारे से ऐसा बोलो मैं यही हूँ बोल के ये गलती करा मैं ये क्यों कहा घर के अंदर किसी के बात करिए मैं आया क्या नाम है आपका मैं आया आपसे बात कर रही बात करा मैं आपसे इससे पहले बात करा मैं आपसे कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा था मैं नहीं आप लोग यहाँ काम नहीं करते आप लोग को जरूरत नहीं है ये तमाशा करने के वास्ते सिम क्रिएट करो क्या कैसा कैसा गुस्सा में इसके घर में क्या नाम है आपका हमारे विनोद कुमार इसको समझाओ इसको हाथ में रह के काम करो बोलो हाथ में रह के काम करो बोलो ये दादागिरी नहीं चलती यहाँ पर बघार आप बोले घर के अंदर चले जा रहे लेडीज रहती वहाँ पर वो लॉक है तो लॉक तोड़ देता हूँ मैं वो कर देता हूँ ये काम मत कर बेटे ये काम नहीं करना मैं समझा दे रहा हूँ मैं आपको इससे पहले भी समझाया मैं आपको कैसा गए इनके घर में तुम साफ नहीं गए मैं आ गया भैया पूरे पूरे नहीं मिस कर रहे ना जी मिस करूंगा कौन दूसरा है तुम कर रहे ऐसा नहीं करा मैं लिस्ट देता हूँ तुम्हारे को तुम्हारे एडी को सुनो तुम पहले तुम्हारे को तुम्हारे एडी को लिस्ट देता हूँ सुनो तुम पहले मेरी बात को आपको आपके एडी को लिस्ट देता हूँ जाके उसूल करो बोलो वहाँ पर सुने गरीब लोग सुबह बंडी लेके निकल जाते घर में कोई मर्द रहता ये एरिया में साहब आप चले जा रहे हैं आप निकल के डरा रहे लेके चाचा छे को लेकर आके क्या बता रहे तुम गरीब लोग हैं पूरे बंडी वाले अरे साहब यहाँ बंडी और झटके वाले लोग हैं यहाँ पर रोज बंडी लेके काम करते हैं आप घरों में घुस जा रहे हैं आप है साहब अरे सर शाम में बदल देना साहब क्या हुआ मैं आपको फोन पे बोला कैसा बोला मेरे भाई मत कर गरीब लोग यही बात बोला मैं ऐसे ही बोला मैं बोला मेरे भाई मत कर तू पर्सनल मत ले बोला मैं हर दो दिन को आ रहे कहीं को मेरे भाई तुम आओ तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम है कहीं ज्यादा पैसे है ना बराबर लो मैं आपके साथ हूँ मैं आपके साथ रहता हूँ अगर कोई ज्यादा बिल है तो मैं आपके साथ ठहर जाता हूँ हमारे लोग ठहर जाते आपके साथ यहाँ पर हमारे साथ लॉक है तोड़ देता हूँ डोर घुस के अंदर चले जा रहे हैं ये काम मत करो गलत है मैं तुम्हारे घर में अगर किसी को भेजा तो अच्छा तो मैं माफ कर दूँ सॉरी सुनो तुम्हारे को कुछ भी प्रॉब्लम है ना हम आपके साथ तुम ये आके दादागिरी नहीं करना अगर नहीं है तो बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ नहीं साहब नहीं ऐसा नहीं इन आए जब से हर घर को टच कर रहे कहां से इसका नहीं नहीं टटते क्या पूछा मैं सब जगह तो लिख देता हूँ मैं कहा जाते साहब आप लोग टारगेट करा हुआ ये एरिया को
गरीब लोग है ना बराबर आप आपके लोग टारगेट करे हुए है। नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे समझूंगा ना, मैं आप ऐसा समझ रहे हैं क्योंकि आपके नहीं ना, नहीं आप नहीं जाते ना दूसरे एरिया में, कहाँ जाते हैं? क्यों मैं आपको लिस्ट निकाल कर दूं? मैं जाते आप जाके लाते आप कहाँ जाते साहब, कहाँ जाते साहब? उसको भेज रहे हैं चार पाँच सौ लोगों के साथ। आपको मैं बोला सुनिए 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 साहब, ये लोग छोटे छोटे घर है, चलिए मैं संख्या बताता हूँ, 2000 बिल आता हूँ।